वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए, और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक चक्र पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हों तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। जैसे हमको ध्यान में है कि आजादी के बाद देश के अंदर एक परंपरा चलती थी कि एक देश एक चुनाव बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी कि जिसमें से ये परंपरा टूटी है। इसको पुनः शुरू करने के लिए अगर इस प्रकार का कदम आगे उठाकर इसको सार्थक परिणाम निकलते हैं तो इससे विकास के काम में तेजी आएगी, समय बचेगा, साधन बचेगा, चुनाव की मशीनरी में भी एक ही समय काम करने का यानी अवसर मिलेगा, और इससे जनता की भागीदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से जो लोग घर से दूर होते हैं उनको चुनाव में वोट डालने के लिए कभी आने का अवसर मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो जनता ज्यादा ज्यादा संख्या में आकर के और चुनाव में भागीदारी भी लेगी। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का इस कमेटी के गठन में जो पहल की है इसका स्वागत करता हूं।